आज एक नया वीडियो रेसिपी हम आपको देखने वाले हैं। जो रेसिपी है खासी का पुंटा, जो कहते हैं खासी का पुंटा, और रेसिपी हम आपको आज दिखाने वाला हैं। उसका पहला प्रस्तुत है गर्म पानी। उसका बाद वो गर्म पानी में देखिए, ये वाला खासी का पुंटा है, इसको खासी का पुंटा पटुनी कहते हैं। वो आज रेसिपी होगा, वो अच्छा का रेसिपी करेंगे, हम दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेसिंग वो चालू है। ये वाला उसका अंदर का पुंटी है, जो मेन पुंटी है, बोटी, उसको बोटी हिंदी में बोटी बोलते हैं, वो बोटी है। उसको अंदर का जो है टावल जैसे देख रहा है, वो पूरा गर्म पानी में साफा होगा। उसके बाद उसको पकाएंगे, बोटी को अच्छा से पूरा सफा करेंगे। देखिए अंदर का टावल जैसे है उसका, वो वाला सब सफा होगा। ये वाला सफा हो गया है, वो सिर्फ गर्म पानी में धोएंगे। ये वाला बीज का है बूटी, तो जो पुट्टा का कैसे अंदर का सफा हो रहा है, पानी अंदर में घुसा के सफा, अच्छा से सफा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए अभी गर्म पानी में बोटी तो डाले हैं, और गर्म थोड़ा होने के बाद उसको अंदर से चलेंगे, साफ करेंगे। देखिए गर्म पानी डाल दिए, इसको पहले जो टावल वाल बाला जैसे देख रहे हैं टावल जैसे, उसको पूरा साफ करेंगे। साफ करेंगे, पानी पूरा गर्म हो गया है, पूरा गर्म होने के बाद वो साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा साफ। देखिए कैसे साफ करते हैं, वैसे साफ करते हैं, और बोटी को वैसे साफ करेंगे, जो टावल वाल जैसे देख रहे हैं वो साफ होगा, पूरा नेट एंड क्लीन होगा। उसके बाद वो दूसरा सब साफ होगा बोटी, तो उसका जो टावल जैसे सब निकल दिया और सब रिजेक्ट है। ये वाला कटिंग होगा, देखिए कैसे कटिंग होता है। पानी के आने में ना बा काट दे, बा न समय काटो, खाली पूरा धाड़ो होती, देखिए कैसे कटिंग होता है। और गर्म पानी में अच्छा से धो लिए, कटिंग ऐसे होता है। उसको फिर ठंडा पानी में धोएंगे। कटिंग के बाद उसको प्रोसेसिंग ठंडा पानी में धोएंगे, अच्छा से धोएंगे। उसके बाद देखिए कैसे कटिंग होता है। उसके बाद हम वो बुट्टी तो अच्छा से धोएंगे, पूरा नेट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद रोसी स्टार्ट होगा, देखिए कैसे सफा करते हैं पंडाल में। ऐसे ही रगड़ रगड़ कर धोएंगे, पूरा नेट एंड क्लीन करेंगे, सफा पूरा करेंगे। उसके बाद रसोई रेसिपी बनाएंगे। बाद दूसरा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, वो रसोई होगा, अच्छा से होगा रसोई। पहले डेक्ची बैठ लिया, और उसका बाद तेल, तेल के बाद तेज पत्ते डालेंगे। उसके बाद दालचीनी है, दालचीनी के बाद प्याज डालेंगे,
प्याज को थोड़ा 2 मिनट के लिए भून लेंगे और अच्छा सा भूनने के बाद मसाला रेडी हो गया है। देखिए मसाला आधा लहसुन हमने पेस्ट किया है, हल्दी भी है, ऊपर जीरा है, ग्राइंडिंग किया है, देखिए प्याज तो लाल रंग आ गया है, उसका कलर आ गया। और हम चूल्हा से बना रहे हैं, चूल्हा से बनाने से अच्छा होगा और अच्छा स्वादिष्ट होगा। उसके बाद हम डाल रहे हैं धनिया का पेस्ट पाउडर, धनिया पाउडर के बाद डालेंगे हम मसाले। अच्छा खुशबू आ रहा है, मसाला को मिनिमम 10 मिनट जैसे पकाएंगे, अच्छा से पकाएंगे, इसको इसका कलर पूरा लाल पड़ेगा। बाद लंका मन डाले हैं, कलर होगा। देखिए मसाला तो पूरा पक गया है, थोड़ा पानी देकर मसाला को अच्छा से कसते हैं। इधर सोए हैं हमारा काबरा और जान हस। थोड़ा पानी दे करके अच्छा से कस रहे हैं। अभी हम बुट्टी तो डाल रहे हैं, मसाला कसा हो गया, बुट्टी डाल रहे हैं अभी। डालने के बाद उसको थोड़ा से वो मसाला कसा कसा तो थोड़ा भून देंगे। बुट्टी को अच्छा से पूरा मसाला के साथ पकाएंगे। अच्छा बासना आ गया है, स्मेल पूरा झक्कास। आज रेसिपी तो पूरा फर्स्ट लास्ट तक देखेंगे हम पूरा कैसे रेसिपी करते हैं बुट्टी का। बुट्टी तो कस लिया है मसाला के साथ, अभी प्रेशर कुकर में डालेंगे हम। प्रेशर कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में डालने से वो अच्छा से बॉयल हो जाएगा, पक जाएगा, नहीं तो नहीं पकेगा। उसको मिनिमम आधा घंटा जैसे प्रेशर कुकर में हम डालेंगे, रखेंगे, कुक करेंगे। उसके बाद अच्छा से धो के मसाला तो लग गया है कढ़ाई में चारों तरफ, और अच्छा से धो के उसमें डालेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे। देखिए कैसे प्रोसेसिंग होता है। भुट्टा रेसिपी आज पूरा अच्छा से होगा, बासना भी आ गया है, अच्छा बासना आ गया है। बस दे दो कढ़ाई ढक्कन, दे दो
नाखून तो दे के प्रेशर कुकर चूल्हे में चूल्हा में बैठाएंगे। मिनिमम 6-7 सीटी मारने के बाद वो लाएंगे। ये जो रेसिपी हुआ है बूटी का रेसिपी, ये फाइनल हो गया है। अभी हम जो बूटी का रेसिपी हम टेस्ट करके बताएंगे कैसे है, अच्छा है या ये। और बूटी का सब्जी है, काकड़ी है, दाल है, नमक है, भात है। बूटी का रेसिपी हम बताएंगे कैसे लगता है, अच्छा है या नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे। अब बताने से हम बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी। ये हमारा बूटी का रेसिपी, देखिए कैसे पूरा लाल लाल हो गया है। देखिए पूरा वासना तो पूरा ज़्यादा है, अच्छा है। खाने से बताएंगे जे कैसे लगता है बूटी, खासी का बूटी कैसे लगता है। देखिए रेसिपी तो कैसा है, पूरा अच्छा से पकाया है और पूरा स्वादिष्ट टेस्ट पूरा बहुत ज़्यादा है। अब फिर बताना जो रेसिपी तो कैसे लगता है, पूरा अच्छा से। आज का रेसिपी है देखिए, ये वाला चिकन, चिकन लेग पीस। देखिए लेग पीस, चिकन, चिकन लेग पीस। चिकन का रेसिपी हम दिखा नहीं पाए है क्योंकि बूटी का रेसिपी का बहुत टाइम टेकिंग लगा है, हाँ, इसलिए चिकन का रेसिपी दिखा नहीं सका। वो चिकन है, वो दाल है, दाल पूरा दाल फ्राई, ये काकड़ी है, ये बूटी है। हम अभी रेसिपी को थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं कैसे। हाय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बजरंग बली, ओ नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम। हाँ जो बूटी का रेसिपी हम बनाते हैं आज टेस्ट करके बताते हैं कैसे लगता है। अपना काम बन गया, हाँ यार तू हट गया।